हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आप सबका मेरी क्लास में। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 9 का चैप्टर 3 परमाणु एवं अणु। और आज के इस भाग में हम डिस्कस करने जा रहे हैं अबाउट द केमिकल फार्मूला। तो केमिकल फार्मूले को किस प्रकार से लिखते हैं, केमिकल फार्मूला क्या होता है, उसके बारे में इन डिटेल आज के हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने बहुत बार टर्म्स सुनी होंगी लाइक HCl, H2SO4, NaCl, CO2, H2O। तो ये कॉमनली आपने अपनी लाइफ में टर्म्स सुनी होंगी। ये H2O, व्हाई इट्स नॉट H2O3 लाइक दिस? तो क्या इसके पीछे रीजन है, किस तरह से ये फार्मूले बनते हैं, उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल केमिकल फार्मूला होता क्या है? तो बेटा किसी भी कंपाउंड को जब आपने शॉर्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो हम क्या करते हैं, उसमें यूज होने वाले एलिमेंट के सिंबल्स के द्वारा उसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो इट मींस केमिकल फार्मूला इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी कंपाउंड विद द हेल्प ऑफ सिंबल ऑफ देयर एलिमेंट्स। केमिकल फार्मूला लिखने के लिए हमें मेनली दो टर्म्स की आवश्यकता होती है। फर्स्ट वन इज सिंबल ऑफ एलिमेंट एंड सेकेंड इज वैलेंसी। तो सिंबल ऑफ एलिमेंट वो आपने इसी क्लास 9 में डिस्कस किए थे इन द 4th चैप्टर एज वेल एज इन द 3rd चैप्टर। हम डिटेल में स्टडी कर चुके हैं कि सिंबल को किस प्रकार से लिखा जाता है। फर्स्ट 20 एलिमेंट के सिंबल आपने अच्छी तरह से लर्न करनी है। तो ये है हमारे पास फर्स्ट 20 एलिमेंट के सिंबल्स फ्रॉम हाइड्रोजन टू कैल्शियम। तो इन्हें आपने अच्छी तरह से लर्न करना है, एज वेल एज इसके साथ ही हमारे पास कुछ और एलिमेंट हैं जिनके कंपाउंड बहुत कॉमनली पाए जाते हैं, तो आपने उन एलिमेंट के सिंबल भी लर्न करने हैं। लाइक आयरन के लिए सिंबल यूज किया जाता है Fe, कॉपर के लिए Cu, सिल्वर के लिए Ag, गोल्ड के लिए Au, प्लेटिनम के लिए Pt, मैग्नीज के लिए Mn सिंबल यूज किए जाते हैं। तो फर्स्ट 20 एलिमेंट के साथ ही आपने इन एलिमेंट के सिंबल को अच्छी तरह से लर्न करना है, तभी आप केमिकल फार्मूला लिख सकते हैं। अनदर जो हमें केमिकल फार्मूला लिखने के लिए चाहिए, उस टर्म का नाम होता है वैलेंसी, आल्सो कॉल्ड एज संयोजन शक्ति या फिर संयोजकता। तो वैलेंसी का मीनिंग क्या होता है? वैलेंसी सिंपली कॉल्ड एज कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट, मींस एक तत्व के परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु के साथ जुड़ते हैं। वो कितने परमाणुओं के साथ जुड़ते हैं उससे दिए हुए तत्व की संयोजकता कहा जाता है। तो वैलेंसी यदि हमें पता होगी तभी हम किसी भी कंपाउंड का केमिकल फार्मूला मेंशन कर सकते हैं। वैलेंसी किस प्रकार से आपने लर्न करनी है वो अब हम डिस्कस कर रहे हैं। किसी भी तत्व के परमाणुओं में कैपेसिटी होती है कि वह एक परमाणु या दो या तीन या इससे भी अधिक परमाणु के साथ कंबाइन करें। तो इट मींस जो हमारे पास एलिमेंट होते हैं वे मोनोवेलेंट भी हो सकते हैं, मींस उनकी संयोजकता या उनकी वैलेंसी कितनी होगी, 1। वो डाइवेलेंट भी हो सकते हैं, मींस जिसकी संयोजकता या वैलेंसी कितनी होती है, 2। एंड दे कैन बी ट्राइवेलेंट आल्सो, मींस उनकी जो कंबाइनिंग कैपेसिटी है वह 3 हो। एंड सो ऑन, मींस इससे भी अबव उनकी वैलेंसी लाइक कर सकती है। कुछ ऐसे एलिमेंट भी होते हैं जिनकी एक से अधिक वैलेंसी पाई जाती हो। तो हमारे पास सबसे पहले डिस्कस करने जा रहे हैं मोनोवेलेंट को। मोनोवेलेंट मींस जिनकी वैलेंसी 1 है। तो मोनोवेलेंट में भी फर्दर हमारे पास दो कैटेगरीज होती हैं, पॉजिटिव 1 एंड नेगेटिव 1।
पॉजिटिव वन मीन्स जो इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं और जिनकी वैलेंसी पॉजिटिव वन मिलती है, मीन्स वो इलेक्ट्रॉन लॉस करके वैलेंसी को शो करते हैं। वह एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करते हैं, इसीलिए वहां पर वैलेंसी आपको क्या मिलती है, पॉजिटिव वन। जैसे कि हमारे पास केस है हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन के आउटर शेल में वैलेंसी हमें कहां से पता चलती है, आउटर शेल इलेक्ट्रॉन से। उन इलेक्ट्रॉन को वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी कहा जाता है बिकॉज दे डिसाइड वैलेंसी। तो जैसे हाइड्रोजन है वह एक इलेक्ट्रॉन लॉस करता है जब, तो उसकी वैलेंसी कितनी होगी, प्लस वन। इसी प्रकार सोडियम, सोडियम में हमारे पास 11 एटॉमिक नंबर होता है, 281 हमारे पास क्या है, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो आउटर शेल में वन इलेक्ट्रॉन है, अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए यह वन इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, सो इसकी वैलेंसी आपको कितनी मिलेगी, वन। इसी प्रकार से पोटाशियम एटॉमिक नंबर 19, दैट आल्सो है वैलेंसी वन क्योंकि उसके आउटर शेल में वन इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये हाइड्रोजन, वेदर, सोडियम, पोटाशियम, इनके आउटर शेल में वन इलेक्ट्रॉन है जिसको लॉस करके ये पॉजिटिव वन वैलेंसी को रिप्रेजेंट करेंगे। एज वेल एज सिल्वर, जो अभी हमने किया था, सिल्वर में हमारे पास मोनोवेलेंट का केस है, दैट इज मेटल, दैट इज इलेक्ट्रो पॉजिटिव, और उसकी भी वैलेंसी आपको पॉजिटिव वन मिलेगी। एक और केस है हमारे पास अमोनिया आयन का, NH4, क्लियर, यह बहु परमाणुक आयन है और इसमें भी हमारे पास पॉजिटिव वन वैलेंसी प्राप्त होती है। तो ये कुछ एग्जांपल है जो मोनोवेलेंट है एंड पॉजिटिव वन रिप्रेजेंट करते हैं। अब आते हैं मोनोवेलेंट ही है लेकिन वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मींस वो इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं करते बल्कि इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं, और कितने इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, वन, इसीलिए उनकी वैलेंसी क्या होती है, नेगेटिव वन। हाइड्रोजन एक ऐसा परमाणु है बेटा जो पॉजिटिव वन एज वेल एज नेगेटिव वन दोनों तरह की ही वैलेंसी रिप्रेजेंट करता है। तो हाइड्रोजन में हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन गेन करने पर हीलियम विच इज नोबल गैस वो कॉन्फ़िगरेशन ऑब्टेन हो जाती है, इसीलिए हाइड्रोजन में आपको नेगेटिव वन वैलेंसी भी मिलेगी। सिमिलरली जो हमारे पास हैलोजन्स हैं, मींस 17 ग्रुप के एलिमेंट, यदि आप उनकी कॉन्फ़िगरेशन को देखें, लाइक फ्लोरीन एटॉमिक नंबर 9 to 7, अब यह 7 इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं कर सकता, अपनी आउटर शेल को कंप्लीट करने के लिए, मींस 8 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने के लिए यह क्या करेगा, 7+1 मींस 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, ये यहाँ पर आपको वैलेंसी -1 मिलेगी। इसी प्रकार से क्लोरीन में भी -1 वैलेंसी होती है। और कुछ हमारे हैं बहु परमाणुक आयन, उनको भी आपने लर्न करना है, में हमारे पास -1 वैलेंसी मिलती है, लाइक OH जिसे हम कहते हैं हाइड्रो ऑक्साइड आयन, और उसकी वैलेंसी -1 होती है। HCO3 बाइकार्बोनेट, इसकी वैलेंसी भी -1 होती है। सिमिलरली NO3 नाइट्रेट आयन, इसकी वैलेंसी -1 होती है। जैसा कि आप देख रहे हैं जब फ्लोरीन के ऊपर चार्ज आता है, मीन्स -1 लिखा जाता है, तो उसे फ्लोरीन की जगह पर फ्लोराइड आयन कहते हैं। सिमिलरली क्लोराइड आयन, ब्रोमाइड आयन, तो इस तरह से उनके नाम में थोड़ी सी चेंज आती है। और यही आपने दिमाग में रखना है कि जब आपको केमिकल फार्मूले में रेफर किया जाता है, लाइक सिल्वर ब्रोमाइड, तो वहां पर ब्रोमाइड का मीनिंग क्या होता है, Br, ब्रोमीन के लिए रिप्रेजेंट किया गया है, क्लियर। इसी प्रकार से सिल्वर क्लोराइड मींस क्लोरीन को यूज किया गया है, सोडियम फ्लोराइड इट मींस फ्लोरीन को वहां पर यूज किया गया है। अब हम कर रहे हैं एग्जांपल्स फॉर द डाइवेलेंट, मींस जिसमें वैलेंसी दो होती है।
तो अगेन दो कैटेगरीज होंगी, पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। तो पॉजिटिव टू कौन से ऐसे एलिमेंट है जिनके ऊपर पॉजिटिव टू आपको मिलता है? तो हमारे पास फर्स्ट 20 एलिमेंट में क्या दिया गया है कि बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये ऐसे एलिमेंट है जिनके आउटर शेल में सिर्फ दो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। यदि यह इन दो इलेक्ट्रॉन को लॉस करते हैं तो ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन ऑब्टेन करेंगे। तो इट मींस यह दो इलेक्ट्रॉन को लॉस करेंगे और इनके ऊपर आपको पॉजिटिव टू वैलेंसी मिलेगी। मींस बीई बेरिलियम, एमजी मैग्नीशियम, सीए कैल्शियम, इनमें आपके पास वैलेंसी कितनी होगी? पॉजिटिव टू। इसी प्रकार से ही जिंक, बेरियम, लेड तथा मरकरी, इनमें भी आपको पॉजिटिव टू वैलेंसी मिलती है। नाउ नेगेटिव टू, तो नेगेटिव टू वैलेंसी के हमारे पास कौन से एग्जांपल है? लाइक द ऑक्सीजन एंड सल्फर। इनके आउटर शेल को आप देखिए, ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8 होता है और वहां पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास क्या है? 2-6। इफ 8 इलेक्ट्रॉन आउटर शेल में ऑब्टेन करने हैं, मींस नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन ऑब्टेन करनी है, तो ऑब्वियस है 6 इलेक्ट्रॉन को लॉस करना टफ है, इसीलिए यह 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। तो इसमें आपको वैलेंसी कितनी मिलेगी? -2। इसी प्रकार से सल्फर पर 2-8-6, तो उसकी आउटर शेल में भी 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने की कैपेबिलिटी है, तो वहां पर भी आपके पास वैलेंसी कितनी होगी? -2। तो ऑक्सीजन एंड सल्फर, इन दोनों में वैलेंसी -2 होती है। और बहु परमाणुक आयन की एग्जांपल आपने याद रखनी है, लाइक CO3 कार्बोनेट आयन, इसमें -2 आपके पास वैलेंसी होती है। उसके बाद है सल्फेट, आपने कॉमनली सुना है सल्फेट, क्लियर। तो यहाँ पर आपके पास SO4 होता है और उसके ऊपर -2 वैलेंसी होती है। नेक्स्ट ये था सल्फेट मींस SO4, यदि यह फार्मूला SO3 हो तो इसे सल्फाइट कहते हैं और इसकी भी वैलेंसी -2 होती है। तो ये कॉमन एग्जांपल है विच हैव -2 वैलेंसी। नेक्स्ट है हमारे पास ट्राइवलेंट मींस जिसमें वैलेंसी 3 हो, तो अगेन दो कैटेगरी, पॉजिटिव 3 एंड नेगेटिव 3। तो सबसे पहले है एल्युमिनियम। एल्युमिनियम की जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो हमारे पास क्या मिलता है? 2-8-3, एटॉमिक नंबर 13 और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 2-8-3। तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा? आउटर शेल में 3 इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा, जिसके कारण हमारे पास वैलेंसी क्या आएगी? पॉजिटिव 3। नेगेटिव 3 के लिए हमारे पास है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के आउटर शेल में हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन है, एटॉमिक नंबर 7 और इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2 और 5। तो 5 इलेक्ट्रॉन को 8 बनाने के लिए यह 3 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, सो इसमें आपके पास वैलेंसी कितनी होगी? -3। इसी प्रकार से एक बहु परमाणुक आयन विच इज वेरी कॉमन आपने याद करना है, फॉस्फेट आयन, फार्मूला PO4, और इसकी वैलेंसी कितनी होती है? -3। तो यहाँ पर हमारे पास ट्राइवलेंट में सिर्फ 3 एग्जाम्पल आपने फॉर द सिलेबस ऑफ 9th क्लास याद रखनी है, एल्युमिनियम पॉजिटिव 3 व्हाइल नाइट्रोजन एंड फॉस्फेट आयन हैज -3 वैलेंसी। मेटल्स होते हैं उसमें आपको वैलेंसी पॉजिटिव में ही मिलेगी और जो नॉन मेटल होते हैं उनकी वैलेंसी नेगेटिव में होती है। कुछ ऐसे भी एलिमेंट हैं जो वेरिएबल वैलेंसी को रिप्रेजेंट करते हैं, उसमें हमारे पास मेन वेरी कॉमन 2 एग्जांपल हैं, वन इज कॉपर एंड सेकंड इज आयरन। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉपर, कॉपर आपके पास 2 तरह की वैलेंसी को रिप्रेजेंट करता है, पॉजिटिव 1 एंड पॉजिटिव 2। कॉपर पॉजिटिव 1 जब वैलेंसी पोसेस करता है तो उसे क्यूपरस रेफर किया जाता है, उसी प्रकार से जब यह पॉजिटिव 2 वैलेंसी रिप्रेजेंट करता है तो इसे क्यूपरिक मेंशन करते हैं, मींस एंडिंग विद OUS, तो कॉपर की वैलेंसी कितनी होगी? +1। एंड एंडिंग विद IC तो इसकी वैलेंसी कितनी होती है? +2। इसको हम जब रेफर करते हैं तो
क्यूप्रिक और क्यूप्रस इस तरह के शब्द यूज किए जाते हैं, या फिर हमने सिंपल नाम के साथ ब्रैकेट में रोमन लैंग्वेज में इनकी वैलेंसी को रिप्रेजेंट करना होता है। मींस कॉपर ब्रैकेट में रोमन लैंग्वेज में वन और सेकंड कॉपर ब्रैकेट में रोमन लैंग्वेज में टू रेफर करके हम इनकी वैलेंसी को रिप्रेजेंट करते हैं। उसी तरह से आयरन, आयरन में हमारे पास कौन सी दो वैलेंसी है, पॉजिटिव टू एंड पॉजिटिव थ्री। जब पॉजिटिव टू वैलेंसी होती है तो इसको कहते हैं फेरस, मीन्स एंडिंग विद ओ यू एस, या फिर ब्रैकेट में आपने रोमन लैंग्वेज में टू पुट कर देना है, मीन्स आयरन ब्रैकेट में टू। एंड सेकेंड इज पॉजिटिव थ्री, तो उसको कहते हैं फेरिक, और या फिर आपने क्या करना है, आयरन ब्रैकेट में थ्री रोमन लैंग्वेज में लिखकर रिप्रेजेंट करना होता है। तो ये दो ऐसी मेटल्स हैं जिसमें आपके पास वेरिएबल वैलेंसी होती है। और भी हमारे पास ऐसे एलिमेंट होते हैं जहां पर वेरिएबल वैलेंसीज होती हैं, बट फॉर द नाइन्थ सिलेबस आपने इन्हीं को लर्न करना है। तो इस प्रकार से आपने एनसीईआरटी में दिए हुए वैलेंसी चार्ट को अच्छी तरह से लर्न करना है, तभी हम केमिकल फार्मूले मीन्स रासायनिक सूत्र को लिख सकते हैं। तो ये थी हमारे पास वैलेंसीज। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि कौन से रूल हैं जिनको यूज करके हम रासायनिक सूत्र को लिखेंगे। तो हमारा फर्स्ट रूल क्या कहता है, आयन की संयोजकता अथवा आवेश संतुलित होना चाहिए। एग्जाम्पल, हमारे पास Na तथा Cl दिया गया है। अब Na की वैलेंसी कितनी होती है, पॉजिटिव वन, और Cl की कितनी होती है, माइनस वन। तो यह दोनों एक दूसरे को संतुलित करते हैं क्योंकि दोनों के ऊपर इक्वल आवेश प्रेजेंट है। सेकेंड केस, यदि हम Na के स्थान पर Ca को लेते हैं तो Ca में हमारे पास क्या प्रेजेंट है, पॉजिटिव टू, जबकि Cl उसमें क्या प्रेजेंट है, माइनस वन। तो हमने किस तरह से इनको संतुलित करना होगा कि यदि हम Cl की संख्या को इंक्रीज कर दें, मीन्स Cl एक की जगह पर दो ले, तो हमारे पास ये एक दूसरे को क्या करेंगे, संतुलित। तो इन बातों का हमने ध्यान करना है कि जब आप यौगिक का फॉर्मूला बनाते हो तो जो आवेश हैं वो एक दूसरे को संतुलित करें। सेकेंड पॉइंट, एक यौगिक किसी धातु एवं अधातु के संयोग से निर्मित होता है तो धातु के नाम अथवा उसके प्रतीक को रासायनिक सूत्र में पहले लिखते हैं। उदाहरण के लिए कैल्शियम ऑक्साइड, सोडियम क्लोराइड, आयरन सल्फाइड, कॉपर सल्फाइड इत्यादि। यहाँ पर ऑक्सीजन, क्लोरीन, सल्फर अधातु हैं तथा उन्हें दाई तरफ लिखते हैं, जबकि कैल्शियम, सोडियम, आयरन, कॉपर धातुएं हैं और उन्हें बाईं तरफ लिखते हैं। तो यह रूल बिल्कुल सिंपल है। कहने का मीनिंग क्या है कि मेटल को पहले लिखना है और नॉन मेटल को बाद में। फॉर एग्जाम्पल, सोडियम क्लोराइड लिखा जाएगा, ऐसे नहीं है कि हमने क्लोरीन सोडियम लिखना है। क्यों? क्योंकि हमारे पास सोडियम धातु है तथा क्लोरीन अधातु है। तो यह दूसरा रूल अच्छी तरह से माइंड में रखें कि जब एक धातु अधातु से कंबाइन होती है तो पहले धातु को लिखा जाता है और फिर अधातु को लिखते हैं, फिर हमारा केमिकल फार्मूला बनता है। थर्ड रूल इज, मानुक आयनों का निर्मित यौगिकों में आयनों की संख्या दर्शाने के लिए आयन को कोष्टक में लिखकर आयनों की संख्या कोष्टक के बाहर लिखते हैं। उदाहरण, Mg कोष्टक OH कोष्टक क्लोज 2 है। यदि बहुपरमाणुक आयन की संख्या एक हो तो कोष्टक की आवश्यकता नहीं होती है, उदाहरण के लिए NaOH। तो हमारे पास, जैसे कि हमें वैलेंसी चार्ट में बहुत से बहुपरमाणुक आयन दिए गए थे, लाइक OH, PO4, SO4, SO3, CO2, HCO3, बहुत से हमने बहुपरमाणुक आयन किए थे। तो जब हमारे पास बहुपरमाणुक आयन दिए जाते हैं
तो हमने किस तरह से केमिकल फार्मूला में उन्हें लिखना है, हम ब्रैकेट का उपयोग करेंगे, कोष्ठक का उपयोग करते हैं, और जो उनकी संख्या है मतलब जितने टाइम वह आयन प्रेजेंट होता है वह कोष्ठक के बाहर पदांक के रूप में लिखा जाता है। तो यह हमारे पास जो रूल है वो बहुत इम्पोर्टेंस रखता है कि हमने बहु परमाणुक आयन को ऑलवेज ब्रैकेट में लिखना है और वह कितने टाइम्स प्रेजेंट है उस नंबर को पदांक के रूप में उपयोग करते हुए ब्रैकेट के बाहर लिखना है। तो अब इन रूल्स का उपयोग करते हुए हम रेफर करने जा रहे हैं केमिकल फार्मूला ऑफ कंपाउंड्स। तो जब दो तत्व आपस में जुड़ते हैं तो उससे जो यौगिक बनता है उसे कहते हैं द्विअंगी यौगिक या फिर बाइनरी कंपाउंड, और ये हमारे पास सिंपल कंपाउंड होते हैं। तो उनके फार्मूले को किस प्रकार से लिखना है वह हम अब डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले है कि हमारे पास जिस यौगिक का नाम दिया गया है उसमें एलिमेंट जो प्रेजेंट है उनके सिंबल लिखने हैं। तो फर्स्ट इज सिंबल ऑफ एलिमेंट, सेकंड वन हमने रेफर करनी है उनकी संयोजकता या उनकी वैलेंसी को। हर एक एलिमेंट के नीचे हमने उनकी वैलेंसी को पुट करना है। थर्ड हमने वैलेंसी तथा एलिमेंट को बाय द हेल्प ऑफ स्क्रोस एक दूसरे से जोड़ना है। जैसे कि हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल HCl, तो हमने क्या रेफर किया है H तथा Cl सिंबल ऑफ एलिमेंट। सेकेंड लाइन में संयोजकता, दोनों की संयोजकता क्या होती है 1, तो हमने सेकेंड लाइन में दोनों की संयोजकता 1-1 मेंशन कर दी। अब संयोजकता तथा एलिमेंट को हमने बाय द क्रॉस एक दूसरे से मिला दिया। यदि वैलेंसी 1 हो तो उसे लिखना आवश्यक नहीं होता है। तो अब हमने जब केमिकल फार्मूला लिखा तो क्या रेफर किया है HCl, बिकॉज दोनों की वैलेंसी 1 है तो हमने रिप्रेजेंट नहीं करना। सेकेंड इज हाइड्रोजन सल्फाइड, मीन्स हाइड्रोजन सिंबल एंड सल्फाइड के लिए S सिंबल को उपयोग में लिया जाएगा। तो HS, H की वैलेंसी 1 एंड S की वैलेंसी 2, एच को 2 से तथा एस को 1 से विद द हेल्प ऑफ क्रॉस हमने जोड़ना है। तो हमारे पास फार्मूला क्या जाएगा H2S। नेक्स्ट इज कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन मींस C, क्लोराइड जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया क्लोराइड किसके लिए उपयोग में लाते हैं क्लोरीन के लिए, तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे Cl, C और दूसरा सिंबल क्या आ गया Cl। टेट्रा शब्द का उपयोग हमने अभी नहीं करना है। कार्बन की वैलेंसी होती है 4 एंड क्लोरीन की होती है 1, तो उसे हमने सेकंड लाइन में लिख देना है। क्लोरीन को 4 से तथा कार्बन को 1 से विद द हेल्प ऑफ क्रॉस हमने मिलाना है। तो हमारे पास कार्बन टेट्राक्लोराइड का फार्मूला क्या बन गया CCl4। नेक्स्ट हमारे पास जो एग्जांपल है उसमें दिए गए एलिमेंट में से एक मेटल है और दूसरा नॉन मेटल, तो ऑब्वियस है हमने मेटल को पहले लिखना है तथा नॉन मेटल को बाद में। नेम ऑफ द कंपाउंड इज मैग्नीशियम क्लोराइड, तो Mg पहले लिखा जाएगा और क्लोरीन उसके बाद में लिखा जाएगा। मैग्नीशियम उसकी हमारे पास वैलेंसी कितनी होती है पॉजिटिव 2 और क्लोरीन की क्या होती है 1, क्योंकि हमारे पास जो रूल है वह कहता है कि वैलेंसी या आवेश जो है वो एक दूसरे को संतुलित करे, इसलिए हमारे पास जो फार्मूला बनेगा उसमें क्लोरीन 2 टाइम लिया जाएगा, ताकि मैग्नीशियम 2 है तो क्लोरीन भी हमारे पास 2 आए, पॉजिटिव और नेगेटिव वैलेंसी एक दूसरे को संतुलित करे। बाय द हेल्प ऑफ क्रिसक्रॉस हमारे पास क्या बन गया MgCl2, तो यह हमारे पास मैग्नीशियम क्लोराइड का सूत्र है। यह संपूर्ण संरचना क्या है उदासीन मीन्स न्यूट्रल है। नेक्स्ट है हमारे पास एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम मेटल, एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3, ऑक्साइड मीन्स ऑक्सीजन उसकी वैलेंसी 2, तो हमने उसी प्रकार जैसे हमने पहले लिखा था इसको लिख दिया
क्रिस क्रॉस से इनको मिला दिया तो हमारे पास क्या बनेगा, Al2O3। नेक्स्ट इसी प्रकार से है कैल्शियम ऑक्साइड, तो Ca एंड O इसके सिंबल आएंगे, दोनों की वैलेंसी हमारे पास क्या है 2, कैल्शियम की पॉजिटिव 2 एंड ऑक्सीजन की -2। तो इसका हमारे पास रासायनिक सूत्र क्या बनता है, Ca2O2। और इसको हम सरलतम रूप में कैसे लिख सकते हैं, CaO, बिकॉज दोनों में ही 2 रेफर किया गया है, इसलिए हम 2 को एज ए कॉमन निकाल लेते हैं। तो हमारे पास फार्मूला क्या बन जाएगा, CaO। तो बहुत से ऐसे यौगिक होते हैं जिनको आवश्यकता पड़ने पर सरलतम रूप में बदला जा सकता है। इस एग्जांपल है बहु परमाणुक आयन की, सोडियम नाइट्रेट, तो सोडियम Na, नाइट्रेट उसके लिए क्या हमारे पास रेफर किया गया है, NO3। दोनों की वैलेंसी 1 होती है तो इसका हमारे पास सूत्र क्या बनेगा, NaNO3। नेक्स्ट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो कैल्शियम की वैलेंसी होती है +2 एंड हाइड्रोक्साइड उसकी वैलेंसी कितनी होती है -1। क्रिस क्रॉस करने पर हमारे पास क्या ऑब्टेन होता है, Ca को हमने 1 से मैच किया और OH को मैच किया गया है विद द 2। तो हमारे पास क्या फार्मूला बनेगा, Ca ब्रैकेट OH ब्रैकेट क्लोज और पदांक पर हम क्या रेफर करेंगे 2। यदि हमने ब्रैकेट का उपयोग नहीं किया और इसे लिखा गया CaOH2, तो इट मींस जो H है वह 2 टाइम प्रेजेंट है, O 2 टाइम प्रेजेंट नहीं है और यह आपका रॉन्ग होगा, क्योंकि हमारा रूल क्या कहता है कि जब भी बहु परमाणुक आयन हो तो उन्हें ब्रैकेट में लिखना है और वह कितने टाइम्स प्रेजेंट है उस संख्या को ब्रैकेट के बाहर पदांक के रूप में रिप्रेजेंट करना है। इसलिए हमारे पास क्या फार्मूला बनेगा, Ca ब्रैकेट OH ब्रैकेट क्लोज 2 टाइम्स। यदि बहु परमाणु की संख्या 1 हो तो हमें ना तो उसे ब्रैकेट में लिखना है और ना ही कोई पदांक रिप्रेजेंट करना है। जैसे कि हमारे पास दिया गया है सोडियम कार्बोनेट, सोडियम के लिए Na, कार्बोनेट के लिए CO3, क्लियर। तो CO3 के लिए हमारे पास वैलेंसी आएगी 2, सोडियम के लिए वैलेंसी 1, और इस क्रॉस करने पर हमें क्या प्राप्त हुआ, Na 2 टाइम और CO3 1 टाइम, इसलिए हम क्या फार्मूला देंगे, Na2CO3। नेक्स्ट इज अमोनियम सल्फेट, अमोनियम मींस NH4, सल्फेट SO4। अब यह दोनों ही बहु परमाणुक है तो भी हमारे पास वही रूल है कि सेकेंड लाइन में हमने क्या लिखना है, वैलेंसी NH4 की वैलेंसी +1, SO4 की वैलेंसी -2। तो हमारे पास क्रॉस करने पर क्या प्राप्त हुआ, NH4 जो है वह 2 टाइम है, इसीलिए उसको ब्रैकेट में लिखा और साथ में क्या लिखा जाएगा, SO4। तो हमारे पास ब्रैकेट NH4 ब्रैकेट क्लोज 2 SO4, यह हमारे पास अमोनियम सल्फेट का फार्मूला होगा। तो इन रूल का उपयोग करके आप किसी भी बाइनरी कंपाउंड के फार्मूले को लिख सकते हैं और यह बिल्कुल इजी मेथड्स हैं। आपने ध्यान रखना है कि जब आपने फार्मूला बनाया तो उसमें प्लस या माइनस इन सिंबल्स को यूज नहीं करना है। आपके पास NCERT बुक में बहुत से क्वेश्चन दिए गए हैं जिसमें आपके पास वेदर नेम दिया गया है, और फार्मूला मेंशन करना है या फिर फार्मूला दिया गया है उनका नेम मेंशन करना है। आपने इन क्वेश्चंस की अच्छी तरह से प्रैक्टिस करनी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।